हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्केरी वर्ल्ड। आज मैं क्रिप्शन पिक मूवी की एक्सप्लेनेशन करूंगी जो 2015 में रिलीज़ हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एडिथ होता है, जो हमें घायल नज़र आती है। तभी हमें एडिथ की वॉइस सुनाई देती है जो अपने बचपन की कहानी बताती है। एडिथ बताती है कि जब उसने पहली बार घोस्ट देखा था तो वो 10 साल की थी और वो घोस्ट उसकी मदर का था। एडिथ की मदर ब्लैक कॉलरा से मरी थी। उसके बाद रात में हम एडिथ को देखते हैं। एडिथ अपनी मदर को खो के बहुत इमोशनल थी। तभी एडिथ को अपनी माँ का घोस्ट दिखता है और वो डर के मारे अपना मुंह छिपा लेती है। तभी वो घोस्ट एडिथ पर हाथ रखती है और उसे कहती है कि क्रिप्शन पीक से सावधान रहना। तभी एडिथ डर के मारे चिल्लाती है और उड़ जाती है। उसके बाद हम 14 साल के बाद का सीन देखते हैं। एडिथ अब बड़ी हो चुकी थी और वो एक घोस्ट स्टोरी लिख रही थी और अपनी बुक को पब्लिशिंग करने के लिए वो ओगिलिप से मिलने जाती है। तभी रास्ते में उसे उसका बचपन का फ्रेंड डॉक्टर एलन मिलता है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एलन की मदर आ जाती है। एलन की मदर एडिथ को पसंद नहीं करती थी, लेकिन एलन एडिथ को लाइक करता था। उसके बाद एडिथ ओगिलिप के पास आती है और उसे अपनी बुक दिखाती है। ओगिलिप एडिथ की घोस्ट स्टोरी पढ़ता है और एडिथ से कहता है कि उसे लव स्टोरी के ऊपर कहानी लिखनी चाहिए। एडिथ ये सारी बातें अपने फादर कार्टर को बता देती है। तभी कार्टर एडिथ को एक पेन देता है। तभी एडिथ बोलती है कि अब वो टाइपिंग करके स्टोरी लिखेगी। एडिथ अपने डैड के ऑफिस आती है और टाइपिंग करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर एक थॉमस नाम का आदमी आता है जो कार्टर से मिलने के लिए इंग्लैंड से आया था। वो थॉमस से कहते हैं कि वो बस आने ही वाले हैं, वो थोड़ा वेट करें। तभी थॉमस एडिथ की लिखी स्टोरी देखता है जो उसे काफ़ी पसंद आती है और वो उस स्टोरी की तारीफ़ करता है। ये सुनकर एडिथ खुश हो जाती है और थॉमस से कहती है कि ये स्टोरी उसने लिखी है। तभी एडिथ के फादर वहाँ आ जाते हैं। अपने प्रोजेक्ट के लिए थॉमस को इन्वेस्टर की ज़रूरत थी। थॉमस कार्टर और उसके साथ के सारे बिजनेसमैन के साथ अपने प्रोजेक्ट के बारे में बातें करता है। थॉमस खुद के बनाए हुए इन्वेंशन को दिखाता है जो मिट्टी की खुदाई करता है। थॉमस कहता है कि वो इसके ज़रिए से ज़मीन से रेड सैंड यानी कि लाल मिट्टी निकाल सकते हैं, लेकिन कार्टर थॉमस के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है। कार्टर कहता है कि इससे पहले वो लंदन, मिलान और एडन बार गया था और वहाँ के इन्वेस्टरों ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद रात का सीन दिखाते हैं जहाँ हम कार्टर को देखते हैं। कार्टर एलन की पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रहा था। तभी वहाँ पर एडिथ आती है। एडिथ कार्टर से कहती है कि उन्होंने थॉमस का प्रपोजल क्यों रिजेक्ट कर दिया। तभी कार्टर बोलता है कि उसके बारे में कुछ ऐसा है जो उसे पसंद नहीं। तभी एलन कार्टर को लेने के लिए वहां आ जाता है। एडिथ एलन की पार्टी में नहीं जाती है और कमरे में जाके बुक पढ़ने लगती है। तभी उसे कुछ आवाज़ आती है। एडिथ देखती है कि उसके रूम का दरवाज़ा अपने आप खुल गया है। एडिथ उठकर दरवाज़ा बंद करने जाती है। तभी वो अपने सामने अपनी माँ का घोस्ट को देखती है और डर के मारे वो दरवाज़ा बंद कर देती है, लेकिन एडिथ की मदर का घोस्ट दरवाजे के अंदर से उसके सामने आ जाता है और एडिथ से कहती है कि वो क्रिम्सन पीक से बच के रहे। एडिथ डर के मारे नीचे बैठ जाती है। तभी फिर से दरवाज़ा ओपन होता है और वहाँ पर एडिथ की मेड आती है जो उसकी उठने में मदद करती है। एडिथ की मेड बताती है कि बाहर थॉमस आया है। एडिथ थॉमस से मिलती है और थॉमस एडिथ से उसके साथ पार्टी में चलने को कहता है। फिर एडिथ और थॉमस साथ में एलन की पार्टी में जाते हैं। पार्टी में हम थॉमस की बहन को देखते हैं जिसका नाम लूसियल होता है। उसके बाद थॉमस एडिथ से डांस करने के लिए पूछता है और एडिथ उसे हाँ कर देती है। लूसियल पियानो बजाने लगती है और वो दोनों डांस करने लगते हैं। कार्टर को उन पर शक होता है। अगले दिन कार्टर एक होली नाम के आदमी को बुलाता है जो कि एक जासूस होता है। कार्टर होली से कहता है कि जल्द से जल्द वो थॉमस और लूसियल के बारे में सारी जानकारी निकाल के उसे दे। दूसरी तरफ एडिथ एलन से मिलने उसके क्लिनिक जाती है। एलन एडिथ से कहता है कि वो थॉमस और उसकी बहन लूसियल से सावधान रहे, लेकिन एडिथ उसकी बातों को सीरियस नहीं लेती है। उसके बाद एडिथ थॉमस और लूसियल से मिलती है। उसी बीच लूसियल थॉमस साइड में आते हैं। तभी लूसियल थॉमस से कहती है कि एडिथ यंग है और वो सही चॉइस नहीं है। तभी थॉमस लूसियल से रिंग मांगता है। लूसियल कहती है कि ये रिंग उसने कमाई है और उसे ये रिंग वापस चाहिए। तभी थॉमस लूसियल से उसकी सक्सेस की उम्मीद करने को कहता है और ये कहता है कि ये आखिरी चीज़ होगी
जो उन्हें बेचनी पड़ेगी। तभी लूसिल कहती है कि हम इसे बेच नहीं रहे हैं बल्कि हम इसे कुछ खरीद रहे हैं। दूसरी तरफ हम होली को देखते हैं जो कार्टर के ऑफिस आता है और कार्टर को एक फाइल देता है और उसे कहता है कि वो इस फाइल को यहाँ ना खोले। उसके बाद एडिथ के घर पर डिनर पार्टी होती है जहाँ थॉमस और लूसियल भी आते हैं। थॉमस लूसियल की रिंग से एडिथ को प्रपोज करने वाला होता है कि तभी कार्टर थॉमस और लूसियल को अकेले मिलने के लिए स्टडी रूम में बुलाता है। कार्टर लूसी और थॉमस को एक डॉक्यूमेंट दिखाता है और कहता है कि एक दिन एडिथ ने उससे पूछा था कि मैं तुम्हें पसंद क्यों नहीं करता हूँ, लेकिन उस वक्त मेरे पास कोई जवाब नहीं था लेकिन आज है। तभी कार्टर उन्हें चेक देता है और उनसे कहता है कि सुबह वो दोनों न्यूयॉर्क से चले जाए। एडिथ थॉमस से प्यार करने लगी थी इसलिए कार्टर थॉमस से कहता है कि जाने से पहले उसे एडिथ का दिल तोड़ना होगा। उसके बाद डिनर स्टार्ट हो जाता है और थॉमस सभी से कहता है कि उसे यहाँ बहुत अच्छा लगा और वो कल इंग्लैंड वापस जा रहा है। ये सुनकर एडिथ को अच्छा नहीं लगता है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है और थॉमस भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। थॉमस एडिथ के नॉवेल के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है और उसे कहता है कि वो प्यार और दर्द के बारे में कुछ नहीं जानती है, उसे सिर्फ अपनी भूत प्रेत की कहानी में ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर एडिथ को गुस्सा आ जाता है और वो थॉमस को थप्पड़ मार देती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम कार्टर को देखते हैं जो सेविंग कर रहा होता है, तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। कार्टर चेक करने के लिए जाता है। जैसे कार्टर वापस आता है तो वो देखता है वॉश बेसिन का नल खुला है और वॉश बेसिन से पानी गिर रहा है। कार्टर वॉश बेसिन के पास आता है और नल बंद कर देता है। तभी उसके पीछे से कोई आता है और कार्टर का सर पकड़ के जोर जोर से बेसिन में मारता है जिसकी वजह से कार्टर की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम एडिथ को देखते हैं। एडिथ के पास उसकी मेड आती है और एडिथ को थॉमस का लेटर देती है। एडिथ थॉमस का लेटर पढ़ती है और थॉमस का लेटर पढ़ने के बाद एडिथ समझ जाती है कि थॉमस ने जो कुछ भी किया उसके फादर के कहने पर किया। ये पढ़कर एडिथ थॉमस के होटल जाती है जहां वो रुका हुआ था। वहां जाने पर एडिथ को पता चलता है कि थॉमस और उसकी बहन लूसियल ने सुबह ही चेकआउट कर दिया है। ये सुनकर एडिथ अपसेट हो जाती है और रोने लगती है। तभी उसके सामने थॉमस आ जाता है और उससे कहता है कि उसके फादर ने उसे रिश्वत दी थी यहाँ से जाने के लिए, पर वो यहाँ से नहीं जा सका क्योंकि वो उससे प्यार करता था, और वो दोनों किस करने लगते हैं। उसके बाद एडिथ को पता चलता है कि उसके फादर कार्टर की मौत हो चुकी है जिससे एडिथ पूरी तरह से टूट जाती है। उसके बाद कार्टर को बरी किया जाता है। तभी हम एडिथ के हाथों में लूसियल की रिंग देखते हैं। उसके बाद एडिथ थॉमस से शादी कर लेती है और उसके साथ उसके घर इंग्लैंड आ जाती है। तभी एडिथ को वहाँ एक डॉग दिखता है जिसे एडिथ अपने साथ रख लेती है। अंदर आने के बाद एडिथ थॉमस का घर देखती है। थॉमस का घर पुराना था, उस घर की हालत बहुत बुरी और छत टूटी हुई थी और उसका घर रेड सैंड में धस रहा था। तभी उसके पीछे से कोई उसे उसके नाम से पुकारता है। एडिथ पीछे मुड़कर देखती है तो उसे कोई औरत दिखाई देती है और एडिथ उसे ऊपर जाते हुए देखती है। तभी थॉमस वहां पर आ जाता है और एडिथ उससे कहती है कि उसने यहां किसी औरत को देखा है। थॉमस कहता है कि ये बस उसका वहम है और वो नीचे बेसमेंट में कभी ना जाए। तभी वहां पर लूसियल भी आ जाती है। उसके बाद एडिथ वहां से जाने लगती है। तभी एडिथ लूसियल से उसके लिए घर की चाबी की कॉपी बनाने की बात करती है, लेकिन लूसियल कहती है कि तुम्हें उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर एडिथ को अजीब लगता है। तभी लूसियल कहती है कि घर के कुछ हिस्से सुरक्षित नहीं हैं और उनकी आदत डालने में उसे समय लगेगा। फिर एडिथ नहाने के लिए चली जाती है। उसके बाद थॉमस और लूसियल एक साथ बैठे होते हैं और लूसियल थॉमस से पूछती है कि उसने एडिथ को क्यों चुना। तभी हम एडिथ को देखते हैं जो बाथटब में नहा रही होती है। तभी एडिथ को किसी चीज़ की परछाई दिखती है, लेकिन एडिथ उसे इग्नोर कर देती है और बाथटब से निकलकर कपड़े पहनने लगती है। तभी हम उसके पीछे एक घोस्ट को देखते हैं। जैसे एडिथ पीछे मुड़ती है तो उसे वहाँ कुछ नहीं दिखता है। उसके बाद थॉमस एडिथ की चाय में कुछ मिलाता है और उसे पिला देता है
और ये सब लूसिल की होल से देखती है। उसके बाद एडिथ कमरे में सो रही होती है, तभी उसे म्यूजिक की आवाज़ आती है। एडिथ नीचे जाकर देखती है कि लूसिल पियानो बजा रही है। एडिथ पूछती है कि वो क्या बजा रही है। लूसिल बताती है कि ये एक लोरी है जो वो बचपन में थॉमस के लिए गाया करती थी। लूसिल बताती है कि उन्हें यहाँ आने की इजाज़त नहीं थी। तभी एडिथ थॉमस और लूसिल की मदर का फोटो देखती है, जिसमें उनकी मदर के हाथों में वही रिंग होती है जो थॉमस ने एडिथ को दी थी। उसके बाद हम एलन को देखते हैं जो कार्टर के स्टडी रूम में था। तभी एलन की नज़र कार्टर के चेक बुक पर पड़ती है, जिसमें आखिरी चेक थॉमस के नाम का था। जिसे देखकर एनल को शक हो जाता है और वो उस जगह जाता है जहाँ कार्टर की मौत हुई थी, और वो उस जगह की छानबीन करने लगता है। दूसरी तरफ हम एडिथ को देखते हैं जो घूमते घूमते थॉमस के वर्कशॉप वाले कमरे में जाती है। थॉमस उसे बताता है कि बचपन में वो लूसिल के लिए खिलौने बनाता था। उसके बाद वो दोनों किस करते हैं और तभी वहाँ पर लूसिल चाय लेकर आ जाती है और एडिथ को पिला देती है। उसके बाद रात में एडिथ के पेट में दर्द होता है, तभी एडिथ देखती है कि थॉमस बेड पर नहीं है। उसके बाद एडिथ थॉमस को ढूंढने लगती है। तभी एडिथ एक डोर खोलती है, जिसे देखकर डॉगी भौंकने लगता है। एडिथ को समझ नहीं आ रहा था कि वो डॉगी क्यों भौंक रहा है। तभी हम दरवाजे के पीछे एक घोस्ट को देखते हैं, तभी वो घोस्ट दरवाज़ा बंद कर लेता है। एडिथ दोबारा दरवाज़ा खोलती है, जहां उसे एक बॉक्स दिखता है। एडिथ उस बॉक्स को खोलती है। उस बॉक्स में वैक्स सिलेंडर रिकॉर्डर रखा था, जो पहले कैसेटो की तरह काम करता था ऑडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। उसके बाद एडिथ दरवाज़ा बंद करके वहाँ से जाने लगती है कि तभी उसे पीछे से कुछ आवाज़ आती है। एडिथ पीछे मुड़ती है, तभी वो देखती है कि एक आत्मा जमीन से निकलकर रेंगती रेंगती उसके करीब आ रही है, और एडिथ डर के मारे वहाँ से भागने लगती है और लिफ्ट में चली जाती है, और लिफ्ट अपने आप ही नीचे बेसमेंट में आ जाती है। एडिथ को वहाँ पर एक ट्रंक दिखता है जिस पर इनोला लिखा होता है, लेकिन वो ट्रंक लॉक्ड होता है। अगले दिन हम थॉमस को देखते हैं जो अपनी बनाई हुई मशीन पर काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एडिथ आती है और थॉमस से पूछती है कि क्या कोई इस घर में मरा था। तभी थॉमस कहता है कि ये घर 100 साल पुराना है और शायद यहाँ पर बहुत सी आत्मा आई और गई हो। उसके बाद थॉमस को उसकी मशीन से चोट लग जाती है। एडिथ थॉमस के हाथों की ड्रेसिंग करती है। तभी थॉमस बताता है कि लाल मिट्टी जमीन से ऊपर निकलकर आती है, जिसकी वजह से बर्फ बिल्कुल लाल हो जाती है, इसलिए वहाँ के लोग इसे क्रिम्सन पीक बोलते हैं। क्रिम्सन पीक का नाम सुनते ही एडिथ हैरान हो जाती है, क्योंकि बचपन में एडिथ की माँ के घोस्ट ने एडिथ को क्रिम्सन पीक से सावधान रहने को कहा था। दूसरी तरफ हम एलन को देखते हैं। एलन एक आदमी को मिलने को बुलाता है। तभी वो आदमी कहता है कि एडिथ ने उसे उसकी सारी संपत्ति इंग्लैंड में ट्रांसफ़र करने के लिए कहा है। तभी एलन कहता है कि उसे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तभी वो आदमी कहता है कि कार्टर ने मरने से पहले एक होली नाम के आदमी को हायर किया था। उसके बाद हम एडिथ को देखते हैं जो सो रही होती है। एडिथ को सपने में एक स्पिरिट दिखती है। तभी खांसते खांसते वो उठ जाती है और वो देखती है कि उसके मुंह से खून निकल रहा है। तभी एडिथ देखती है कि थॉमस फिर से वहाँ नहीं है। उसके बाद एडिथ बेड से उठ जाती है और स्पिरिट से कहती है कि अगर वो यहाँ पर है तो वो उसका हाथ छूकर उसके होने का एहसास कराए। तभी उसके पीछे खिड़की से एक स्पिरिट गुजरती हुई नजर आती है। तभी स्पिरिट एडिथ का हाथ पकड़कर उसे नीचे गिरा देती है। एडिथ को वॉशरूम से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। एडिथ चेक करने के लिए वॉशरूम में जाती है, जहां वो एक स्पिरिट को बाथटब में बैठा देखती है, जिसके सर पर चाकू लगा होता है और उसमें से खून भी निकल रहा होता है। उसके बाद वो स्पिरिट उठ जाती है और एडिथ से वहां से जाने को कहती है। डर के मारे एडिथ कॉरिडोर में आ जाती है। तभी दोबारा वो स्पिरिट उसके सामने आती है और उससे कहती है कि उसका खून तुम्हारे हाथों होगा। एडिथ डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी थॉमस और लूसिल वहाँ आ जाते हैं और एडिथ उन्हें सारी बातें बता देती है। लूसिल एडिथ से कहती है कि उसने एक बुरा सपना देखा होगा। एडिथ उनसे कहती है कि वो और यहाँ रही तो वो पागल हो जाएगी। तभी थॉमस एडिथ से कहता है कि वो दोनों कल पोस्ट ऑफिस जाएंगे ताकि उसका मूड फ्रेश हो सके।
उसके बाद लूसियल थॉमस से पूछती है कि एडिथ को उनकी मदर के बारे में कैसे पता। तभी थॉमस कहता है कि उसे कोई आइडिया नहीं है। अगले दिन थॉमस एडिथ को अपने साथ पोस्ट ऑफिस लेकर आता है। पोस्ट ऑफिस में एडिथ के लिए लेटर आए थे, जिसमें से एक लेटर उसके वकील का था और दूसरा लेटर मिलान इटली से आया था। तभी एडिथ कहती है कि वो इटली से किसी को भी नहीं जानती, लेकिन वो आदमी एडिथ को लेटर दे देता है। एडिथ लेटर देखती है जिसमें लेडी ई शार्प लिखा था और ई से एडिथ का नाम भी आता था। तभी थॉमस एडिथ से कहता है कि तूफान बढ़ रहा है और उन्हें जल्द ही घर जाना होगा। तभी पीछे से एक आदमी कहता है अगर उन्हें रात बितानी है तो उनके पास नीचे एक कमरा खाली है, और मौसम खराब होने की वजह से थॉमस और एडिथ वहीं रात बिताने के लिए रुक जाते हैं। उसके बाद हम एलन को देखते हैं जो एक होटल से थॉमस के घर का एड्रेस लेता है और होली से मिलता है। होली एलन को एक फाइल देता है जिसमें थॉमस और लूसियल के बारे में जानकारियां थी। एलन एक न्यूज़पेपर देखता है और तभी होली उसे बताता है कि थॉमस पहले से ही शादीशुदा है। दूसरी तरफ हम थॉमस और एडिथ को देखते हैं। एडिथ थॉमस से कहती है कि वो लोग उस घर से चले क्यों नहीं जाते, वो कहीं और जाके क्यों नहीं रह सकते, जैसे लंदन, पेरिस, मिलान। मिलान का नाम सुनते ही थॉमस सीरियस हो जाता है। उसके बाद वो दोनों किस करते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन सुबह वो लोग वापस आ जाते हैं। लूसियल एडिथ से कहती है कि वो दोनों रात घर क्यों नहीं आए। तभी एडिथ कहती है कि वो बर्फ में फंस गए थे, इसलिए उन्होंने वहीं पर रात बिताई। ये बात सुनकर लूसियल को गुस्सा आ जाता है और वो एडिथ से पूछती है कि क्या वो दोनों साथ में सोए थे। तभी एडिथ कहती है कि इसमें गलत क्या है, थॉमस उसका हस्बैंड है। ये सुनते ही लूसियल बहुत गुस्सा हो जाती है। एडिथ को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। तभी लूसियल बात बदलती है और एडिथ से कहती है कि वो अकेली थी और वो डर गई थी कि तूफान की वजह से तुम दोनों के साथ कोई हादसा ना हो जाए। तभी एडिथ कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और लूसियल उसके लिए चाय बनाने लगती है। तभी एडिथ घर की चाबी देखती है जिसमें से एक चाबी पे इनोला लिखा होता है। तभी चुपके से एडिथ इनोला नाम की चाबी निकाल लेती है। उसके बाद एडिथ अपने कमरे में जाकर लेटर पढ़ती है जो उसके वकील ने भेजा होता है, जिसमें लिखा होता है कि वो डॉक्यूमेंट में साइन कर दे ताकि वो लोग उसकी सारी संपत्ति इंग्लैंड में ट्रांसफर कर सके। एडिथ साइन करने वाली होती है कि तभी उसकी नजर दूसरे लेटर पर पड़ती है जिस पर ई शार्प लिखा होता है। एडिथ उस लेटर को खोलती है तो वो देखती है कि उस लेटर के अंदर इनोला लिखा है। उसके बाद एडिथ इनोला नाम की लेकर नीचे बेसमेंट में चली जाती है और उस की से वो इनोला नाम के ट्रंक को खोलती है, जिसमें से एडिथ को ग्रामोफोन प्लेयर और तीन लिफाफे मिलते हैं जिसमें तीन औरतों के नाम लिखे होते हैं, और उसमें से एक लिफाफे पे इनोला नाम भी लिखा होता है, और ये तीनों लिफाफे मिलान, लंदन और एडिनब्रा से आए थे। तभी एडिथ अपने फादर की बातें सोचती है कि ये वही जगह है जहाँ पर थॉमस को अपने प्रोजेक्ट के लिए नाकामिया मिली थी। तभी एडिथ को कुछ आवाज़ आती है। एडिथ चेक करने के लिए एक कुएं को खोलती है, उसके अंदर लाल मिट्टी होती है। एडिथ एक रोड से मिट्टी के अंदर चेक करती है लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं दिखता है। एडिथ वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि उस लाल मिट्टी के अंदर से एक ह्यूमन स्केलेटन बाहर निकलता है। दूसरी तरफ हम थॉमस को देखते हैं जिसकी मशीन ठीक से काम कर रही थी, और ये देखकर थॉमस बहुत खुश होता है। थॉमस लूसियल से थोड़ा और कोयला लाने को कहता है। जैसे लूसियल कोयला लाने के लिए जाती है तभी उसकी नज़र चाबियों के गुच्छे पर पड़ती है जिसमें से एक चाबी गायब होती है, और ये देखकर वो परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ एडिथ लिफाफा लेकर अपने कमरे की तरफ जाती है। तभी लूसियल उसे आवाज़ लगाकर ढूंढने लगती है। एडिथ लूसियल की आवाज़ सुनकर जल्दी अपने कमरे में आ जाती है और लिफाफों को सोफे के नीचे छुपा देती है। एडिथ देखती है कि उसके कपड़ों और जूते पर लाल मिट्टी लगी है। लूसियल को उस पर शक ना हो इसलिए वो अपने पैरों पर चद्दर ओढ़कर बैठ जाती है। उसके बाद लूसियल वहाँ आ जाती है। तभी एडिथ लूसियल से पानी मांगती है। लूसियल को एडिथ पर शक हो गया था इसलिए वो जानबूझकर वहाँ चाबियों का गुच्छा रखकर पानी लेने के लिए चली जाती है। तभी एडिथ इनोला नाम की को वापिस चाबियों के गुच्छे में डाल देती है। उसके बाद लूसियल पानी लेकर आ जाती है और चाबी को गुच्छे को लेकर चली जाती है, और वो देखती है कि चाबी के गुच्छे में इनोला नाम की है, जिससे लूसियल समझ जाती है कि एडिथ ने ही इनोला नाम की ली थी। रात में एडिथ ग्रामोफोन प्लेयर के जरिए
वो वेक्स रिकॉर्डिंग सुनती है और साथ ही वो तीनों लिफाफे खोलकर देखती है, जिससे एडिथ को पता चलता है कि थॉमस पहले से ही 3 बार शादीशुदा है। थॉमस ने पैसों के चक्कर में उससे पहले 3 और लड़कियों से शादी की थी। थॉमस और लूसियल उनकी सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम करने के बाद उनकी चाय में धीरे धीरे जहर देकर उन्हें मार देते हैं। इसका मतलब जो चाय थॉमस और लूसियल एडिथ को पिलाते थे उसमें जहर मिला होता है, ताकि एडिथ भी उन तीनों की लड़कियों की तरह धीरे धीरे करके मर जाए। तभी एडिथ खांसती है और उसके मुंह से खून निकलता है। ये देखकर एडिथ वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर मौसम खराब था इसलिए एडिथ वहां से नहीं जा पाती। एडिथ की बॉडी पर अब जहर का असर होने लगा था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने लूसियल को खड़ा देखती है, जो हाथों में चाय लेकर खड़ी होती है। लूसियल एडिथ को चाय पीने को देती है, लेकिन एडिथ चाय पीने से मना कर देती है। लूसियल उसे ब्रेकफास्ट खिलाती है। तभी वहां पर थॉमस आ जाता है और लूसियल के जाने के बाद थॉमस एडिथ को कहता है कि वो कभी भी चाय ना पिए। एक्चुअली थॉमस एडिथ से प्यार करने लगा था। उसके बाद लूसियल थॉमस से कहती है कि एडिथ को सब पता चल गया है, इसलिए वो चाय नहीं पी रही है, लेकिन उसने चाय के बदले उसके ब्रेकफास्ट में जहर मिलाया था। उसके बाद हम एलन को देखते हैं, जो इंग्लैंड आ चुका था और अब वो एडिथ के पास जा रहा था। दूसरी तरफ एडिथ की तबीयत और ख़राब होने लगती है और उसे खून की उल्टियाँ होने लगती है। उसके बाद एडिथ व्हीलचेयर में बैठकर कॉरिडोर में आ जाती है। तभी वो वहाँ पर एक घोस्ट को देखती है, जिसके हाथों में एक बच्चा होता है। तभी एडिथ कहती है कि वो जानती है कि वो कौन है और उसका नाम इनोला स्कॉटी है, और वो उसे बताए कि वो उससे क्या चाहती है। तभी इनोला की स्पिरिट एक तरफ इशारा करती है। उस तरफ जाने के बाद एडिथ को एक कमरा दिखता है। जैसे एडिथ उस कमरे के अंदर जाती है तो वो वहाँ पर लूसियल और थॉमस को देखती है, जो इंटीमेट हो रहे थे। ये देखकर एडिथ हैरान हो जाती है और रोते रोते वहाँ से भागने लगती है। तभी पीछे से लूसियल आती है और एडिथ को पकड़ लेती है और एडिथ की उंगली से वो अपनी रिंग निकाल लेती है। थॉमस लूसियल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लूसियल एडिथ को धक्का मारकर ऊपर से नीचे गिरा देती है और अंगूठी पहन लेती है। तभी थोड़ी देर बाद एडिथ को होश आता है और वो अपने सामने एलन को बैठा देखती है। ऊपर से नीचे गिरने की वजह से एडिथ के पैर टूट गया था। उसके बाद एलन थॉमस और लूसियल को वहां से जाने को कहता है, ताकि वो एडिथ से कुछ बात कर सके। थॉमस और लूसियल के जाने के बाद एलन एडिथ से कहता है कि वो उसे यहां से ले जाने के लिए आया है। उसके बाद हम लूसियल को देखते हैं, जो थॉमस को एक चाकू देती है और उससे कहती है कि इस बार तुम्हारी बारी है। एलन एडिथ को उठाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर थॉमस और लूसियल आ जाते हैं। तभी एलन एडिथ को एक न्यूज़पेपर देता है और उसे बताता है कि लूसियल और थॉमस की मदर की हत्या एक बाथटब में हुई थी। किसी ने उनके सर पर बहुत ही बुरी तरह से मारा था और उस वक्त वहां पर सिर्फ थॉमस और लूसियल थे। उसके बाद एलन एडिथ को वहां से ले जाने लगता है कि तभी लूसियल एलन को चाकू मारती है और एडिथ को पकड़ लेती है। थॉमस एलन के पास आता है और उससे कहता है कि वो एक डॉक्टर है और वो उसे बताए कि उसे चाकू कहाँ मारना है, जिससे वो बच जाए। तभी एलन उसे बताता है कि उसे चाकू कहाँ मारना है। तभी एलन की बताई हुई जगह पर थॉमस चाकू मार देता है और ये देखकर लूसियल को लगता है कि थॉमस ने एलन को जान से मार दिया है। उसके बाद थॉमस एलन को नीचे बेसमेंट में ले जाता है और उसे वहां छुपा देता है। दूसरी तरफ हम लूसियल और एडिथ को देखते हैं। लूसियल एडिथ के सामने उसकी सारी बातें रिवील करती है कि उसने कैसे पहले थॉमस की तीनों वाइफ को मारा था। उसी बीच लूसियल एडिथ के बाल काट लेती है और उसे ड्रॉर में रख लेती है। तभी एडिथ लूसियल से इनोला के बारे में पूछती है कि उसने उसके बच्चे को क्यों मार डाला। तभी लूसियल कहती है कि उसने ऐसा नहीं किया और वो बच्चा इनोला का नहीं था, बल्कि उसका और थॉमस का था। वो बताती है कि वो बच्चा डिफॉर्म था, जिसकी वजह से वो मर गया। एडिथ लूसियल से पूछती है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। लूसियल एडिथ से बताती है कि सारी शादियाँ सिर्फ पैसों के लिए थी, ताकि थॉमस वो सारे पैसों को अपने इन्वेंशन पर लगा सके। बातों बातों में लूसियल ये भी बताती है कि उसकी माँ को उनके सेक्सुअल रिलेशन के बारे में पता चल गया था,
इसलिए उसने अपनी मदर को मार दिया। उसके बाद लूसियल जबरदस्ती एडिथ से पेपर साइन करवा लेती है। एडिथ लूसियल से पूछती है कि उसके फादर को किसने मारा था। तभी लूसियल कहती है कि उसने ही उसके फादर कार्टर को मारा था। ये सुनकर एडिथ को गुस्सा आ जाता है और एडिथ लूसियल के चेस्ट पर पेन से मारती है और वहाँ से भागने लगती है। उसी बीच लीव से थॉमस वहाँ आ जाता है। तभी एडिथ उससे कहती है कि उसने उसे धोखा दिया है और वो उससे प्यार नहीं करता है। तभी थॉमस कहता है कि वो उससे प्यार करता है और एक बार वो उस पर ट्रस्ट करने को कहता है। थॉमस उससे कहता है कि अब वो ये सब खत्म करेगा। उसके बाद थॉमस लूसियल के पास जाता है और प्रॉपर्टी के पेपर्स जला देता है और लूसियल से कहता है कि वो तीनों इस घर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। ये बात सुनकर लूसियल चौंक जाती है। बातों बातों में लूसियल को रियलाइज होता है कि थॉमस एडिथ से प्यार करने लगा है। तभी लूसियल कहती है कि उसने उससे वादा किया था कि वो किसी और से प्यार नहीं करेगा। लूसियल थॉमस से पूछती है कि क्या वो एडिथ से प्यार करता है। थॉमस उसे हाँ कर देता है। थॉमस के हाँ कहते ही लूसियल उसके चेस्ट और फेस पर चाकू से स्टैब कर देती है, जिसकी वजह से थॉमस की मौत हो जाती है। थॉमस को मारने के बाद लूसियल बहुत पछताती है और गुस्से में आकर वो एडिथ को जान से मारने के लिए उसके पीछे चली जाती है। लूसियल से बचने के लिए एडिथ लीफ में चली जाती है, लेकिन लूसियल वहाँ आ जाती है और एडिथ पर चाकू से हमला करने लगती है। एडिथ जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर नीचे बेसमेंट में आ जाती है, जहाँ वो एलन को देखती है। एडिथ एलन को लेकर वेल के पीछे छुप जाती है। तभी वहाँ लूसियल आ जाती है। लूसियल एक बड़ा चाकू निकालती है जिससे उसने अपनी माँ को मारा था। तभी एडिथ के सामने एक चाकू रखा होता है, जिसे उठाकर वो लूसियल के सामने आ जाती है। तभी एडिथ भागकर बाहर आ जाती है और लूसियल भी उसके पीछे आ जाती है। लूसियल पीछे से एडिथ पर हमला करने वाली होती है। तभी एडिथ पीछे मुड़ जाती है और लूसियल को चाकू मारने की कोशिश करती है, लेकिन लूसियल चाकू पकड़ लेती है। तभी एडिथ लूसियल के पीछे देखने लगती है और कहती है कि मेरी मदद करो। लूसियल एडिथ से कहती है कि यहाँ कोई नहीं है उसकी मदद करने के लिए। एडिथ लूसियल से कहती है कि वो अपने पीछे देखे। तभी लूसियल अपने पीछे मुड़कर देखती है, जहाँ पर थॉमस की आत्मा खड़ी होती है। थॉमस को देखकर लूसियल इमोशनल हो जाती है और इसी बात का फायदा उठाकर एडिथ फावले से लूसियल पर हमला करती है, जिसकी वजह से लूसियल वहीं मर जाती है। उसके बाद एडिथ थॉमस की स्पिरिट के पास जाती है और उसे छूकर फील करती है। उसके बाद थॉमस की स्पिरिट वहां से चली जाती है। फिर हम एडिथ की बैकग्राउंड वॉइस सुनते हैं और एडिथ कहती है कि भूत सच होते हैं, और ये वही सीन होता है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। उसके बाद एलन और एडिथ वहां से जाने लगते हैं और तभी विलेजर भी वहां आ जाते हैं उन्हें बचाने के लिए। तभी एडिथ पीछे मुड़कर उस पैलेस को देखने लगती है। उसके बाद हम उस पैलेस के अंदर लूसियल की आत्मा को देखते हैं, जो पियानो बजा रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एडिथ ने एक नोवेल लिखी है जिसका नाम क्रिम्सन पीक होता है, और इसी के साथ मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। गाइज, आई होप कि आपको क्रिम्सन पीक मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। थैंक यू।